नमस्कार, डीजेना न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और यह है हमारा खास शो जिसका नाम है क्रेजी क्रिकेट। और मंगल के दंगल में आज बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है। बड़ा मुकाबला इसलिए क्योंकि आज अंक तालिका की टॉप टू टीमें एक दूसरे के सामने होगी। लखनऊ का मुकाबला आज गुजरात से होने जा रहा है। लखनऊ 11 मुकाबलों में से 8 मैच जीत चुकी है और अच्छा खासा रन रेट है। और दूसरी तरफ बात की जाए एक और टीम गुजरात की, तो वो भी 11 में से 8 मुकाबले जीत चुकी है। यानी नेक टू नेक फाइट का आज मुकाबला होना है। वैसे जब संस्करण की शुरुआत हुई थी तब गुजरात ने पहले मुकाबले में इसी टीम को हराया था। तब माना जा रहा था कि लखनऊ की टीम जो कि केएल राहुल की अगुवाई में खेल रही है वो उतनी ज्यादा बेहतर दिखाई नहीं दे रही जितनी की बाकी टीमें हैं। लेकिन केएल राहुल ने बता दिया कि उनकी कप्तानी में कितना दम है और उनकी टीम का कॉम्बिनेशन किसी से भी कम नहीं है। और यही वजह है कि टूर्नामेंट में अब तक हमने कई रोमांचक मुकाबले तो देखे हैं लेकिन आज का मैच सबसे ज्यादा रोमांचक हो सकता है क्योंकि दोनों टीमें वजनदार है और दोनों टीम का कॉम्बिनेशन एक दूसरे को कागजों पर भी बेहतरीन फाइट देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी कहां किसकी कौन सी कमजोरी है जो किस पर भारी पड़ सकती है ये तो हमारे एक्सपर्ट से ही जानते हैं क्योंकि उनकी सलाह और उनका मशवरा हमें मैच जब देखते हैं तब रोमांच को चार चांद लगा देता है। हमारे साथ मौजूद है इंदौर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन के वरिष्ठ पदाधिकारी सुखदेव सिंह गुम्मन। सर सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और उसके साथ ही हमें ज्वाइन करेंगे रमेश भाटिया क्रिकेट फाउंडेशन के सेक्रेटरी और क्रिकेट के कोच संजय चौबे। सर सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिवादन। सर आज का मैच तो है ही बड़ा लेकिन कल भी एक बड़ा मैच हुआ जिसमें बड़ी टीम फिर फिसड्डी साबित हुई, वो रही मुंबई। कल मुंबई को एक बार फिर शर्मनाक पराजय का सामना करना पड़ा। क्या आप शर्मनाक शब्द से सहमत हैं सर? हाँ देखिए क्रिकेट है उसको शर्मनाक तो हम नहीं कह सकते हैं। हाँ क्योंकि गेम है, किसी दिन भी, एक दिन आरसीबी 68 पे आउट हुई थी, अगले दिन उन्होंने 67 रन से वो मैच जीत लिया, तो एक ऑफ डे आपका हो सकता है। परंतु कुछ भी मुंबई के लिए अच्छा नहीं हो रहा और टॉप ऑफ इट जो रोहित शर्मा है, इंडियन टीम के कैप्टन है, मुंबई टीम के फ्रेंचाइजी के कैप्टन है, कल टॉस जीतने के बाद में हमने देखा कि पिछले 3-4 मैचेस जो भी यहाँ पर हुए थे डीवाई पाटिल के ऊपर उसमें बैटिंग फर्स्ट रन बन रहे हैं और बैटिंग सेकंड में बड़े अंतराल के ऊपर टीम हार रही थी। तो मुझे लगता है उस स्टैटिस्टिक्स को कुछ ध्यान रखते हुए रोहित को जो उन्होंने डिसीजन लिया टॉस जीतने के बाद में केकेआर को पहले बल्लेबाजी कराई, तो उनको खुद बल्लेबाजी करनी चाहिए थी, ना कि अपोजिशन को इनवाइट किया करते कि आकर आप बल्लेबाजी करें। और कल वो देखने में मिला और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्होंने बाद में कहा था कि हम ऑलरेडी यहाँ पर 4 मैचेस खेल चुके हैं, विकेट कैसा खेलता हमें पता है, और 165 रन हमारे किसी दिन भी वो जो टारगेट था बहुत इजीली अचीवेबल था, बट हम लोगों ने बैटिंग अच्छी नहीं करी, हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी रही। जसप्रीत बुमराह की जितनी भी तारीफ करें, एक समय लग रहा था कि केकेआर विल रन अवे विद दिस मैच टू अबाउट 190 रन, पर 5 विकेट लेना 10 रन देकर मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे 5-5 रन विकेट लेने की बहार चालू हो गई। पिछले मैच में हासारंगा ने 5 विकेट लिए थे, उसके बाद में कल जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट लिए। डेफिनेटली ये एक इंडियन टीम के लिए उत्साहित करने वाली खबर है कि जो स्टार बॉलर है वो इस टूर्नामेंट में सिर्फ एक मैच में पहले थोड़ा सा कुछ कर पाए थे और अब जाकर विकेट्स की अगर हम बात करेंगे, ऑल दो उनकी इकोनॉमी जो है वो लगभग मुंबई के सारे बॉलरों से बेहतर रही। एक मैच में वो जरूर पिटे कि 3.2 ओवर में 42-43 रन दिए थे, कोई विकेट नहीं मिला था उनको, और कल तो उन्होंने बहुत रिमार्केबल स्पेल डाला। परंतु मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि जब फर्स्ट इनिंग भी हुई थी अगर हम स्टैटिस्टिक्स इस ट्रिप की देखेंगे, विकेट की देखेंगे, पिच की देखेंगे, वो लगभग सिमिलर रहती है। जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह को परचेज मिला उसी तरह से केकेआर के भी फास्ट बॉलर्स को वैसा ही मिला, उन्होंने भी आकर वैसी बॉलिंग करी और बाद में लगभग इम्पॉसिबल सा टारगेट जो एक 165 मुंबई जैसी बड़ी ह्यूज बैटिंग लाइनअप के सामने एक छोटा सा टोटल दिखता था उसको इतना बड़ा बना दिया कि मुंबई सिर्फ 113 रन ही बना पाई और वो भी 17.5 ओवर में ऑल आउट हो गए। और मेजर कंट्रीब्यूशन बात करें उनमें से 113 में से ईशान किशन ने 51 रन किए, कैरन पॉलर्ड ने 15 रन बनाए, और बॉलिंग की अगर हम बात करेंगे तो पैट कमिंस ने 3 विकेट लिए 22 रन देके, एक जब 50 मारा उन्होंने और फास्टेस्ट 50 का रिकॉर्ड इक्वल किया पैट कमिंग्स ने, उसके बाद में 2-1 मैचों में उनकी फिर काफ़ी पिटाई हुई थी और जिस कारण से उनको ड्रॉप कर दिया गया था, फिर से वापस लेकर आए। और आंद्रे रसल ने भी एज यूजुअल वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, 2 ओवरों में 22 रन देकर 2.3 ओवर्स में 2 विकेट लिए। और कल जो हमें एक चीज़ लगी कि केकेआर का जो कॉम्बिनेशन था वो बेहतर था
फिर से वेंकटेश अय्यर को वापस लाए गए, और लाना तो एक अलग बात रही, जो उनका बैटिंग पोजीशन चेंज किया जा रहा था वो पोजीशन में उनको वापस से एज ए ओपनर लेकर आए, और वेंकी ने अच्छी बैटिंग करते हुए 24 बॉलों पे 43 रन बनाए। नितेश राणा ने एक अच्छा बैटिंग किया, 26 बॉलों के ऊपर 43 रन बनाए। ओवरऑल जो है केकेआर का परफॉर्मेंस जो था बड़ा था, अच्छा था, हमें लग रहा था कि शायद मुंबई जीत जाएगी और केकेआर नीचे फिसल जाएगी, परंतु फिर से केकेआर के जीतने से जो सबसे नीचे दो टीमें वो सीएसके और मुंबई फिर से वापस 9वें और 10वें स्थान पर आ गई है। परंतु जिस तरीके का क्रिकेट ये सबसे ज्यादा कप जीतने वाली टीमें ने खेला इस पूरे टूर्नामेंट में, ऑल दो अगर हम धोनी की टीम की बात करें तो वो 9th हैं अभी इस समय पॉइंट टेबल में, और उनके लास्ट 3 में से उन्होंने 2 मैच जीते हैं। वहां जाकर डेफिनेटली कहीं लग रहा है कि वो टीम लय प्राप्त कर चुकी है और अच्छा क्रिकेट खेल रही है, परंतु अगर मुंबई की बात करें तो डन डाउन एंड डस्टेड, हम जो भी बोले आपने शर्मनाक कहा, शर्मनाक तो नहीं कह सकते क्योंकि स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में कुछ भी हो सकता है और कोई भी प्लेयर इसलिए वहां नहीं जाकर खेलता या हारता, ये सिर्फ परिस्थितियां होती हैं जिनमें आदमी उलझ जाता है, बैट्समैन उलझता है कि जो कंडीशन होती है उसको जो कैप्टन अच्छे से रीड करेगा वो जीतेगा, और मैं तो बोलूँगा कि कल की कंडीशंस को रीड करने में रोहित शर्मा कम्प्लीटली फेल हुए और एक बड़े मार्जिन से उन्होंने मैच हारा। संजय सर, जिसका हमें था इंतज़ार वो घड़ी आ गई और वेंकटेश अय्यर ने रनों की झड़ी भी लगा दी है। कल केकेआर के लिए बहुत अच्छा दिन रहा, अब तक बड़ी ही टीम जो उथल पुथल वाली दिखाई दे रही थी लेकिन कल लय में आई है, लेकिन क्या सही समय पर आई है? दुरुस्त तो हुआ टीम में कुछ ना कुछ, लेकिन क्या ये समय ठीक है? समय तो थोड़ा सा निकल चुका है। हाँ। और जो आप झड़ी की बात कर रहे हो ऐसी झड़ी भी नहीं लगी है। पर सर हमारे लिए इंदौरी खिलाड़ी है, कम से कम एक वेंकटेश के लिए कॉन्फिडेंस वाला इनिंग थी वो, कि उन्होंने 24 बॉलों में और बहुत अच्छा स्टार्ट दिया उन्होंने, मतलब जिसको लग रहा है कि उनका जो टच दिख रहा था उनका जिस हिसाब से कल वो बैटिंग कर रहे थे, बहुत अच्छी बैटिंग करी उन्होंने। बाद में कल जो केकेआर ने टीम खेले मेरे ख्याल में अजिंक्य रहाणे को छोड़ दें उनको क्यों खिलाया मुझे समझ में नहीं आया, कल जिस हिसाब से बैटिंग कर रहे थे वो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कार्तिक को रिवर्स स्वीप मारने जा रहे थे 18 बॉल में कुछ 17 रन बनाने के बाद और उसमें बोल्ड हो गए वो सीधी सीधी बॉल पे, उसको छोड़ दो आप एक वो, अदरवाइज कल केकेआर की टीम बहुत अच्छी थी। कल उन्होंने कमिंग्स को गिरा, कमिंग्स जैसे बॉलर को आप बाहर नहीं बिठा सकते, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान है, इतना तेज बॉलर है। कल उन्होंने बताया, आपने उसके पहले वाले मुंबई के मैच में देखा होगा कि जो उनके डेविस जो प्लेयर हैं वो हर वो 44 रन उन्होंने बनाए थे और जो बॉम्बे जो मुंबई जो मैच जीती उन्हीं के कारण जीती थी। कल उन्होंने इतना बढ़िया तीखा बाउंसर मारा और सीधा आउट करा उनको। तो आप अगर कमिंग्स बाहर बैठेगा या वेंकटेश अय्यर बाहर बैठेंगे या आपके मेन प्लेयर, मतलब आपने पूरी टीम को तहस नहस कर दिया है, जब आखिरी में आके आपको समझ में आया कि टीम कौन सी खिलानी है, तो वो थोड़ी सोच को मैं मुझे समझ में नहीं आया कि उनकी सोच क्या है। और कल आप देखिए कि 165 मुंबई, तो मुझे लग रहा है कि मुंबई अब केवल वो ये चाह रही है कि जल्दी से हमारे मैचेस खत्म हो जाए ना, अपने अपने घर चले जाए। कल आखिरी में आप देखिए पोलार्ड रन आउट, कार्तिक रन आउट, एक बैट्समैन और रन आउट, मतलब वो पोलार्ड ने मारा बॉल खड़ी हुई। तो ये क्लबों में भी सिखाते हैं कि जब अगर हाई कैच होता है तो आप क्रॉस करें तो अपने अपने क्रीज में जाएं, बीच में खड़े होकर देखें नहीं कैच गिर रहा है कि नहीं या पकड़ रहा है कि नहीं, और हमेशा ऐसा होता। कल पोलार्ड का भी यही हुआ कि वो खड़ी करी बॉल, उन्होंने शॉर्ट मारा, बॉल खड़ी हुई, बॉल ड्रॉप हुआ कैच, और इसके बाद उसने थ्रो फेंका और वो रन आउट हो गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सब मेरे ख्याल में थक चुके हैं वो, और उनको दिमागी थकावट ज्यादा है। हाँ, मतलब और वो चाह रहे हैं कि जल्दी से हमारे 14 मैच हो जाए और खत्म हो जाए ताकि हम अपने अपना घर घर पहुंच जाए, ज्यादा बेहतर है, बोले अब तो बहुत अति हो गई है। तो वो तो कल इस मानसिकता से खेल रही थी कि 165 रन अगर वो चेज नहीं कर पाए, रोहित शर्मा भी कल जिस तरह से आउट हुए सबने देखा, बहुत बढ़िया कैच पकड़ा उनका विकेट कीपर ने, तो पूरी टीम तहस, मतलब जिसको कहते हैं बिखर गई है मुंबई की, उनके पास कुछ है नहीं, और जितने एक्सपेरिमेंट करने थे मेरे ख्याल में एक बंदा उनकी टीम में बचा हुआ है, अर्जुन तेंदुलकर, बाकी सारी टीम खेल दी उनकी, उसको ही नहीं खिलाया उन्होंने, उसको क्यों नहीं खिलाया मुझे मालूम नहीं है, बाकी सबको खिला चुके हैं वो ऑलमोस्ट, और जो बचे हुए मैचेस में भी ये जांच का विषय है। हाँ, बाकी सब खेल चुके हैं, अब वो भी मेरे ख्याल में खेल लेंगे आने वाले मैचेस में, शायद गुरुवार को खेले वो चेन्नई के अगेंस्ट में, हो सकता है। तो बाकी तो मुझे लग रहा है बॉम्बे की मुंबई की तरफ से तो ऐसा कुछ मुझे कुछ दिखा नहीं, केवल निराशा निराशा और निराशा। हाँ, केकेआर ने थोड़ा सा अपना फ्लो बनाया है, पर जिसको कहते हैं ना कि बहुत देर हो चुकी है अभी, और मेरे ख्याल में
बहुत देर कर दी सनम आते आते, मतलब हुजूर आते आते बहुत देर हो चुकी है, तो अब वो देरी का जो नुकसान है उनको उठाना पड़ेगा। पर कॉम्बिनेशन जो केकेआर का था वो मच बेटर। कॉम्बिनेशन को लेकर केकेआर के तमाम सवाल शुरू से उठते रहे। हमारे एक्सपर्ट ने लगातार ये बात कही है कि कहीं ना कहीं जो एक विनिंग कॉम्बिनेशन को तैयार करने की परिपाटी थी वो पटरी पर नहीं बैठ पाई, और कल उसका इशारा पोस्ट प्रेजेंटेशन में कैप्टन ने भी किया है केकेआर के। उन्होंने कहा है कि सीईओ तक का हस्तक्षेप रहता है टीम के चयन में। सर, ये एक नई बहस कही जा सकती है कि अगर कॉम्बिनेशन में टीम के कप्तान को या कोच के साथ में, क्योंकि हम मान ही रहे हैं कि केकेआर में कोच और कप्तान के बीच का जो एक रिश्ता है वो अनबन भरा रहा है पूरे टूर्नामेंट में, और कल उस पूरे विवाद को कहीं ना कहीं हवा दे दी है सर श्रेयस अय्यर ने। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उसका काम क्रिकेट खेलना नहीं है, उसका काम अपनी फ्रेंचाइजी को मैनेज करना है। आप एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन का काम करें, और जहाँ तक क्रिकेट का सवाल है, टीम सिलेक्शन का सवाल है, तो वो आपका जो हेड कोच है वो और जो आपके कैप्टन है उन दोनों की सहमति के साथ में डिसीजन होना चाहिए। और जहाँ तक बोला भी जा रहा है, हाँ, चॉपिंग चेंजिंग हो रही है, हो सकता है ब्रेंडन मैकलिन ज़्यादा कर रहे हों या श्रेयस अय्यर उनको रिक्वेस्ट कर रहे हों और आपस में दोनों का तालमेल नहीं बैठ रहा हो। ये पहला साल है श्रेयस अय्यर का ब्रेंडन मैकलिन के साथ। ब्रेंडन मैकलिन जो हैं वो हेड कोच हैं केकेआर के, और पहले संस्करण से ही एक फ्रेंचाइजी के साथ जुड़े हुए हैं, और उन्होंने पहले मैच में ही ताबड़तोड़ 156 रन नॉट आउट बनाए थे। तो वो इंसान जो शुरू से ही फ्रेंचाइजी के साथ जुड़ा हुआ है, और डेफिनेटली वो अपनी फ्रेंचाइजी का अच्छा चाहेगा। और जब आप हेड कोच होते हैं तो सारे ओनर्स आपके ऊपर होते हैं। कप्तान हैं आप, ठीक है, कप्तान होना एक अच्छी बात है। एक कप्तान उस प्लेयर को बनाया जाता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जिसमें कैपेबिलिटी होती है कि वो टीम को लीड कर सकता है, उनमें से मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट कर सकता है। छोटी मोटी नोकझोंक जो है कभी हो सकती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, कि आखिर तो इंसान है, हर इंसान एक दूसरे से भिन्न है, वो किसी चीज़ में भी हो सकता है, वो कोई टीम सिलेक्शन पर हो सकता है। परंतु अगर एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर जितने भी फ्रेंचाइजी में, उनका इन्वॉल्वमेंट भी अगर टीम सिलेक्शन में होने लगेगा, तो मुझे लगता है कि वो एक मैसेज भी अच्छा नहीं जाता है प्लेयर्स में भी, और इवन जो थिंक टैंक है, जो हेड कोच है और कप्तान है, उनका भी काम करने का तरीका जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, कि मेन काम उनका है करने के लिए, अगर हम कहीं ला के किसी को थोपेंगे कुछ करेंगे तो कहीं ना कहीं टीम के बीच में जो है तालमेल की कमी होगी, और कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट भी करेगा। और केकेआर के इस पूरे टूर्नामेंट में वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है कि किस तरह का क्रिकेट वो खेल रहे हैं। और पिछले सीजन के रनर अप होने के बाद में आप अभी जो है सेवंथ पोजीशन के ऊपर हैं, तो ये अपने आप में बताता है कि कुछ ना कुछ जो है उस कैंप में ठीक नहीं चल रहा है। मे बी इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ द प्लेयर्स, जब आपने मेगा ऑक्शन में खरीदा उनको उनसे लेकर, और या फिर उसके बाद में जो उनको एज ए कोहेसिव यूनिट बनाना है, उनको जो ट्रेन करना है, एक दूसरे के साथ जीने मरने के लिए मोटिवेशन करना है, कहीं ना कहीं वो लैक कर रहा है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? ये बोल रहा था जो सर ने बात बोला ना, ये कॉम्बिनेशन कोच और कैप्टन का, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदुस्तान, मतलब बीसीसीआई दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड पैसे के मामले में, हर चीज, आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग क्रिकेट की, और हम हमेशा फॉरेन कोचेस के ऊपर इतने निर्भर क्यों रहते हैं? अब हिंदुस्तान में देखिए, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं और इतना क्रिकेट खेला है उन्होंने, और सबको आज के क्रिकेट के बारे में पता है, हम उनको कोच क्यों नहीं रखते? कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकती है कि भाई मैकिलम का और श्रेयस अय्यर का, जैसे कल भी हम देख रहे थे कि मैच के पहले एक कोई पवेलियन में से जल्दी से दौड़ते हुए आया टॉस के पहले, और उसने फिर श्रेयस अय्यर को पूरा मोबाइल पर दिखाया, शायद वो टीम बता रहे थे, ये हो सकता है टीम नहीं और कोई बात हो या कुछ भी हो, पर वो दिखा रहे थे, और श्रेयस अय्यर ये ऐसा करके और कुछ मोबाइल पर, और इसके बाद उन्होंने हामी भरी और कुछ बोला और वो चले गए। तो अगर जैसे सर ने बोला कि भाई फ्रेंचाइजी या जो सीईओ है, अगर वो कोई का टीम में 11 ये नहीं है खेलेगा, ये काम सीईओ का नहीं है, ये कैप्टन का काम है और कोच का काम है। विकेट के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से, कौन सा प्लेयर फिट बैठता है, कौन सा बॉलर है, स्पिनर खिलाना है, मीडियम पेसर खिलाना है, मिडिल ऑर्डर में किसको खिलाना है, ओपन किससे कराना है, मुझे ऐसा लगता है कि वो कैप्टन और कोच वो ज़्यादा अच्छा डिसाइड कर सकते हैं बजाय सीईओ के, उसका वो काम नहीं हो सकता। और मुझे नहीं लगता है, अगर वो बुला है तो मैंने सुना नहीं है, अगर आपने सुना है तो बिल्कुल सही सुना होगा आपने, वो उनका काम है नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आईपीएल में हिंदुस्तानी कोच होंगे प्लेयर्स, तो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा समझेंगे, ज़्यादा अच्छे से उन लोगों को
ट्रीटमेंट मिलेगी और मुझे ऐसा लगता है कि उससे टीम को ही बहुत फायदा। संजय, इसमें जैसे आपने बात करी दो चीजों की, एक फॉरेन कोच की जहां तक हम बात करें तो कहीं ना कहीं आज भी बीसीसीआई में या जितने भी हमारे मैनेजमेंट के लोग हैं बीसीसीआई में, उनके दिमाग में ये चीज़ अभी भी बनी हुई है कि जो फॉरेन कोचेज होते हैं, क्योंकि क्रिकेट इंडिया में बाद में स्टार्ट हुआ, पहले इन सब कंट्रीज़ में खेला जाता था, क्योंकि क्रिकेट जो है वो इंग्लैंड की देन है और इंग्लैंड की जितनी भी कॉलोनीज बोल सकते हैं, जितनी भी जगह पर उन्होंने जाके महारानी ने राज किया, न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड, इंग्लैंड तो उनका घर है, और हिंदुस्तान हो, तो वहाँ वहाँ उन्होंने क्रिकेट को प्रमोट किया कि वहाँ, क्योंकि अंग्रेज क्रिकेट खेलते थे तो वो क्योंकि उनका वो स्पोर्ट था, तो वो वहाँ पे भी उन्होंने क्रिकेट का प्रचारण किया कि किसी तरह से उसको स्प्रेड किया जाए, क्रिकेट खेली जाए। तो हम सबसे बाद वाले थे कि जहाँ पे हम लोगों ने सीखा, तो कहीं ना कहीं, और अगर हम देखें तो जो बाकी भी देश हैं जैसे न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, इन सब जगह के ऊपर जो विकेट्स हैं वो बहुत बाउंसिंग है, फास्ट विकेट्स हैं, बाउंसी विकेट्स हैं, वहाँ का जो क्रिकेट है वो ऑल्दो आज हम कहें तो हम उनसे टेक्निकली बहुत करेक्ट हैं और बहुत आगे हैं और बहुत अच्छे ब्रांड का क्रिकेट खेल रहे हैं, परंतु अगर हम पहले की बात करें तो डेफिनेटली वो सारे प्लेयर्स, अगर आप इनको देखेंगे, जितने भी गैरी क्रिश्चियंस की अपन बात कर लें, हम लोग ब्रैंडन मैकलेन की भी बात कर रहे हैं, जबकि उन्होंने कोचिंग सिर्फ स्टार्ट करी केकेआर के साथ ही, उसके बिना वो कोच नहीं थे। आज भी हिंदुस्तान में भी अगर हम बात करें तो राहुल द्रविड़ को छोड़ दें, उससे पहले रवि शास्त्री को छोड़ दें, उससे पहले बीच में अनिल कुंबले को थोड़ी देर ट्राई किया गया, पर हर बार हमने कोशिश यही करी कि क्यों ना फॉरेन कोच को लाया जाए, गैरी क्रिश्चियन को लेकर आए, तो आप इंटेंट हमेशा ये रहा कि फॉरेन कोच आएगा तो हमारे बीच में जो एक थोड़ी सी हीन भावना डेवलप हो गई होगी कि वो फॉरेनर्स जो है वो क्रिकेट ज़्यादा अच्छा खेलते हैं, वो ब्रांड की क्रिकेट हमको सिखा पाएगा, शायद ये कारण है जिस कारण से फॉरेन कोच वर्सेज इंडियन कोच रहे। पर अगर हम देखें जो रिजल्ट्स हैं रवि शास्त्री के आने के बाद में, अनिल कुंबले के समय में भी हमें रिजल्ट अच्छे मिले थे, ऑल्दो उस समय थोड़ा कप्तान और कोच के बीच में अनबन के कारण से उनको किसी तरीके से हटना पड़ा, और बाद में अभी भी राहुल द्रविड़ और बाकी जो टीम अगर देखेंगे तो उसके रिजल्ट्स जो है डेफिनेटली मच बेटर हैं, क्योंकि अगर आप में से निकला हुआ प्लेयर ही आपके प्लेयर्स को सिखाएगा तो एक तो हमारा कम्युनिकेशन जो है मदर टंग में जो कम्युनिकेशन होता है उससे बेहतर नहीं हो सकता है, मातृभाषा में जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो बहुत इजीली चीज़ें सामने में आती हैं। बहुत सारे यंगस्टर हमारे ऐसे हैं जो हिंदी भाषी या पर्टिकुलर लैंग्वेज किसी से आए होते हैं, मातृभाषा उनकी अलग रहती है, उनको इंग्लिश समझ में नहीं आती है या वो इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, तो एक कोच जो आपको लैंग्वेज के ऊपर जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता तो उसके बीच में कुछ बैरियर हमेशा बना रहेगा, वो उतनी चीज़ें नहीं सिखा पाएगा जितना आपके घर का आदमी या आपकी मातृभाषा बोलने वाला सिखा पाएगा। तो डेफिनेटली एक डिबेटेबल चीज़ है, इसको बहुत लंबी डिबेट की जा सकती है। और दूसरा पॉइंट हम बात कर रहे थे, व्हाट वाज इट, एक और मेरे दिमाग में आया था, एनीवे मैं वो स्किप कर गया, तो ये एक लंबी डिबेट के इश्यूज़ हैं, बट कहीं ना कहीं अब जाकर मुझे लगता है बीसीसीआई के दिमाग में भी है। अगर हम लास्ट ये राहुल द्रविड़ की सिलेक्शन की बात करें एज ए हेड कोच, तो डेट निकल जाने के बाद में, डेट निकल गई थी तब तक राहुल द्रविड़ ने अपना नामांकन या उन्होंने इंटरेस्ट भी नहीं दिखाया था, सौरव गांगुली ने वो डेट एक्सटेंड कराई और डेट एक्सटेंड कराने के बाद में उनका नामांकन कराया, नामांकन कराने के बाद उन्हीं को हेड कोच बनाया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी हो रही हैं और मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ों को प्रेफरेंस भी मिलनी चाहिए जिससे हमारी क्रिकेट जो और बेहतर होगी। मैं दूसरा ये बोल रहा था सर, देखिए आप जब हम 83 का वर्ल्ड कप जीते, हालांकि बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है, बट जब कोई कोच नहीं था, मान सिंह जी केवल मैनेजर थे, वो क्रिकेट खेलते थे बहुत अच्छे, वो अपने जमाने के बहुत अच्छे बैट्समैन हुआ करते थे। फिर इसके बाद आइए 2007 में जब हम T20 वर्ल्ड कप जीते, जब हमारी टीम के कोच थे लालचंद राजपूत। मैं आप अभिषेक फिर बोल रहा हूँ, जो क्रिकेट होता है वो कोच से नहीं होता है, वो प्लेयर से ही होता है। आप कितना ही अच्छा कोच लिया है, आप जिम्बाब्वे की टीम को दुनिया का कोई सा वन ऑफ द, मैं कहता हूँ जो वर्ल्ड के अभी बेस्ट चार कोच है, चारों कोच दे दो जिम्बाब्वे को, और आप खिलवाइए फिर इंडिया से खिलवाओ, उनसे ऑस्ट्रेलिया से खिलवाओ, तो क्या ऐसा थोड़ी कि कोच वो टीम चेंज कर देगा। वेस्ट इंडीज की जब टीम थी क्लाइव लॉयड की, उसको किसी कोच की जरूरत नहीं थी, उनको सबको मालूम था जोएल गार्नर को, होल्डिंग को, मार्शल को, कहाँ फेंकना और किसे फेंकना था। इवन स्टीव वॉ की टीम थी तो ग्लेन मैकग्रा, ब्रेडली, शेन वॉन, उनको मालूम था हमको क्या करना है, स्टीव वॉ उनको मालूम था हमें क्या करना है, मैथ्यू एडन को मालूम था, गिलक्रिस्ट को मालूम था, माइकल बेवन, बेवन को, सबको मालूम था कि हमारा क्या जॉब है, एंड्रू सैमंड को मालूम था हमारा क्या है, तो उनको सबको पता था।
तो आपको जस्टिन लेंगर बहुत बड़े प्लेयर थे जो आज कोच बने हुए, कोच नो डाउट स्ट्रेटेजी बनाता है। जिस लेवल का क्रिकेट अभी जहाँ खेला जा रहा है, जहाँ पर है, वहाँ पर कोच जो कोचिंग लोकल लेवल पे या छोटे लेवल पे होती है कि आपका बैट यहाँ से आ रहा है या आपका पैर नहीं आ रहा है या आपका हेड गिर रहा है, इस लेवल पे इस तरह की कोचिंग नहीं होती है। ये केवल स्ट्रेटेजी बनाते हैं। ये बड़े कोचेस होते हैं, ये जितने ही बड़े नाम ले रहे हैं, ये सारे स्ट्रेटेजी बनाते हैं, प्लान बनाकर खिलाड़ियों को जो मैदान पर करना है, कप्तान को करवाना सारे 11 प्लेयर्स, केवल इसके अलावा और कुछ नहीं है। बाकी तो फेरिस लंबी है, बहुत सारी चीजें हैं कि वो बॉलिंग कोच आ गया या बैटिंग कोच आ गया या फिजियो आ गया हर टीम में। और आप देखिए सारी टीमों में फॉरेन कोच, या तो शायद ये पैसा कम लेते हैं, जो भी हो ये बड़ी डिबेट हो सकती है। मान तो देखिए आपको फॉरेन करेंसी में पे करना, तो उनकी फीस बहुत ज्यादा होती है, मालूम नहीं है सर मैंने। ये भी संभव है सर कि थोड़ी भव्यता बढ़ाने के लिए, थोड़ी आकर्षक बढ़ाने के लिए, कि थोड़ा एक टूर्नामेंट लगे कि विश्व स्तर के खिलाड़ी इस आईपीएल का हिस्सा है, ये भी एक कारण हो सकता है। कि हमारे यहाँ के जितने भी बड़े पुराने प्लेयर है, वो क्या अलग दूसरी इंग्लैंड में या बिग बैश में या कहीं पर भी जहाँ पर भी लीग होती है साउथ अफ्रीका में, उनको बुलाते हैं क्या कोचिंग के लिए? नहीं, आप वेस्ट इंडीज की टीम में देखिए, वो वहाँ सारे वेस्ट इंडीज के प्लेयर ही रहते हैं। वेस्ट इंडीज में जो लीग होती है या साउथ अफ्रीका में होती है, वहाँ पर भी यही सब रहते हैं। बिग बैश होती है, वहाँ पर सारे प्लेयर ऑस्ट्रेलिया के रहते हैं। समग्र विकास के तौर पर सभी को साथ में लेकर चलना जानते हैं, और आईपीएल की यही विशेषता है कि वैश्विक स्तर पर अंतरराष्ट्रीय स्तर के बड़े और नामी खिलाड़ी इसमें कहीं ना कहीं अपनी भूमिका अदा करते दिखाते हैं। लेकिन बड़ी बात बड़े मुकाबले से शुरू करते हैं, क्योंकि अब से कुछ ही देर में आईपीएल के सीजन के अब तक के सफर का सबसे बड़ा मुकाबला होने जा रहा है, क्योंकि जो दो टीमें हैं वो शानदार सफर यहां तक तय करती हुई आई है। दोनों टीमें लखनऊ वर्सेस गुजरात, वैसे तो दो यार हैं केएल राहुल और उनके सामने कैप्टन है हमारे हार्दिक पांड्या, लेकिन आज दोनों के बीच अच्छी खासी लड़ाई और कशमकश दिखाई देगी। सर क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक बात है, दो न्यू बीज हैं आईपीएल में, इसी साल उन्होंने पदार्पण किया है, नई फ्रेंचाइजी हैं दोनों, और दोनों ने फ्रेंचाइजीज की वैल्यू भी एक डिक्लेयर कर दी, तय कर दी कि एक फ्रेंचाइजी जो वह 7,200 करोड़ की है। लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया कि बहुत बार बीच में ये रहता कि ये एक स्पोर्ट्स फ्रेंचाइजी के लिए कितनी वैल्यूएशन हो सकती है या ये जो प्रॉपर्टी बन गई इसकी वैल्यूएशन क्या है। अब हम समझ सकते हैं कि 7,200 की एक प्रॉपर्टी है तो वो क्या कर रहे हैं और किस तरह का काम है और क्या फेम है और किस तरह के पैसे इसमें इन्वॉल्व हैं। दो टीमें जो पॉइंट्स टेबल में पहले और दूसरे नंबर पे हैं, दोनों ने 11-11 मैच खेले हैं, 8-8 जीते हैं, 3-3 हारे हैं। दोनों का सेपरेशन जो है सिर्फ नेट रन रेट के ऊपर है, कि क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स का नेट रन रेट बेहतर है इसलिए वो एक नंबर पे हैं, और गुजरात टाइटन्स का जो है नेट रन रेट जो है थोड़ा लो है, इस कारण से वो सेकेंड नंबर पे हैं। जहाँ तक हम दोनों की बात करें, जैसा आपने बोला भी कि पहले मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स जो हैं वो गुजरात टाइटन से हार गए थे, और उस समय लगा था कि नहीं ये जो टीम है शायद इसमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मिसिंग है, परंतु केएल राहुल ने जिस तरह की कप्तानी और बैटिंग करी है, 200 लगाए हैं उन्होंने, 350 लगाए हैं, और अपनी टीम को फ्रंट से लीड किया है। दोनों टीम में देखें तो डेप्थ है बैटिंग में भी बॉलिंग में भी, बस एक मेजर डिफरेंस हमको ये लगता है कि जो लखनऊ सुपर जायंट्स है वो 4 लगातार जीत के ऊपर राइड करते हुए आ रहे हैं, उनका जो मोराला बहुत हाई है, और जो गुजरात टाइटन्स है वो एक एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में 2 मैच हार चुके हैं और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लो है। इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों ही प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाएंगे, 16-16 अंक हो चुके हैं उनके, एक एक मैच और जीतेंगे तो 100% कन्फर्म है, अदरवाइज भी 16 अंकों के साथ बाकी लोगों को आकर इनको बाहर करना लगभग मुझे इम्पॉसिबल सा टास्क लग रहा है। दोनों प्लेऑफ्स में खेलेंगे परंतु कोई भी टीम जो है कोई भी मैच किसी भी समय हारना नहीं चाहेगी, क्योंकि जो विनिंग कॉम्बिनेशन और एक जो माइंडसेट आपका बना होता है कि हम अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, हम जीत रहे हैं, हमारा कॉम्बिनेशन बढ़िया है, किसी कॉम्बिनेशन को डिस्टर्ब करना नहीं चाहेगा अनलेस अंटिल उनका कोई इंजरी हो किसी प्लेयर को। और जितना भी हम यहाँ तक अभी तक देखते चले हैं, ये मैच जो है MCA ग्राउंड पुणे में खेला जाएगा, महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड पुणे में,
और यहाँ पर हमने जितने भी आंकड़े देखे हैं, बैटिंग फर्स्ट को इसका एडवांटेज मिलता है कि आप पहले बैट करिए, बैट करने के बाद रन बनाइए, और बाद में जो है बहुत बार विकेट पर स्पिन भी हो रही है और बहुत बार विकेट अप डाउन भी रह रहा है। तो ज़्यादातर स्कोर बैटिंग फर्स्ट के फेवर में रहा है। जो टीम टॉस जीतेगी वो टीम चाहेगी कि हम बैट करें, अगर वो पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए या उनकी जो टीम थिंक टैंक है उन्होंने जो प्लानिंग करी हुई स्ट्रेटजी बनाई होगी, क्योंकि अब क्योंकि विकेट्स ज़्यादा यूज़ हो चुके हैं और ज़्यादा होने के बाद में स्पिनर्स को ज़्यादा हेल्प मिल रही है और बाद में बैटिंग करना ऑलवेज मुश्किल हो रहा है। टॉस हो गया है, टॉस का डिसीजन टॉस की यहां पर टाइटंस ने जीता है। हार्दिक पंड्या कॉल लेंगे कि उनको क्या करना है। मुझे लगता है कि शायद वो बॉलिंग ही करेंगे, कि चाहिए तो बैटिंग करना, बट नॉर्मली मैंने देखा उनको फेवर करते हुए कि वो चेस करना चाहते हैं, कि उनकी टीम के पास ऐसा है और चेस करते समय मोस्टली वो रन बनाए हैं उन्होंने जितने भी बनाए। ऑल्दो पिछले एक मैच में हमने देखा कि वो उनकी टीम 9 रन नहीं बना पाई थी और मुंबई ने वो वाला मैच जीत लिया, बैटिंग लिए सर शुरुआत में, टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला लिया। हाँ, तो हमारा सोच जैसा है कि और अभी जो भी है और बाकी भी जितने लोग हैं ये समझ रहे हैं कि एक बार रन्स ऑन द बोर्ड दे आर इम्पोर्टेंट। क्या होता है, एक बार आपने जैसे हमने कल का मैच भी देखा कि टॉस जीता रोहित शर्मा ने और बैटिंग करा दिया पोजिशन को, उन्होंने 162-63 रन बनाए और 163 की जगह आप 113 रन नहीं बना पाए। तो कहीं ना कहीं जब विकेट गिरने लगता है, बॉल ग्रिप होने लगता है और आपको दिक्कत आती है। और पुणे का तो एक और बड़ा एडवांटेज है कि पुणे में ड्यू फैक्टर नहीं है, आप अगर बैटिंग पहले करेंगे तो आपको नुकसान नहीं है कि गीली बॉल के साथ आपको बॉलिंग करना है। तो आप बैटिंग करें संयम के साथ में, रन बनाएं और फिर उसको डिफेंड करें। संजय सर, वैसे 2-3 दिन हो गए हैं, कोई कश्मकश भरा मुकाबला आखिरी ओवर तक खिंचाया नहीं है। आज टॉप 2 टीमें हैं, यानी आज ये मानकर चलें कि आखिरी बॉल तक आज का रोमांच जो मंगल का दंगल है वो बहुत बड़ा होने वाला है। बिल्कुल हो सकता है, मतलब अभिषेक अगर बैटिंग विकेट हुआ तो डेफिनेटली 40 ओवर तक मैच जाएगा 20-20 दोनों टीमों के। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो सर ने जैसे पहले बोला कि जो 2 हार हुई है गुजरात की उसको लेके वो थोड़ा सा मतलब जिसको असमंजस में होंगे, पर आज इसीलिए ने टॉस जीत के बैटिंग किया है। लखनऊ की टीम, मैं पहले भी शो में बोल चुका हूँ कि वो चुपचाप, वो कछुए की चाल वाली टीम है, ज्यादा उसके लिए बात नहीं हो रही है, कदम रख रही है लेकिन ठोस रख रही है, और ज्यादा उसकी बातचीत नहीं हो रही है। आप देखिए लखनऊ टीम की बात ना टीवी पे, मतलब जो बड़े बड़े जो शोज होते हैं उसमें भी नहीं हो रही और हमने भी नहीं की, दोनों जगह नहीं हुई, नहीं हुई। पर वो धीरे धीरे आप देखिए कि आज की तारीख में आज जो जीते, क्योंकि अपेक्षाकृत स्टार्स खिलाड़ी कम है और उनके जो भी है, मतलब मुझे लगता है कि जो गौतम गंभीर और केएल राहुल का कॉम्बिनेशन सुपर कॉम्बिनेशन, एक कोऑर्डिनेशन भी बहुत शानदार है, और मुझे लगता है कि वहां पर उसके अलावा जो उनके बॉलिंग कोचेस है जैसे नरेंद्र निर्वाणी है वो भी है, तो मुझे पता है कि वो उनका जो कॉम्बिनेशन है वो तगड़ा है और वो इसीलिए जीत रहा है। उनके पास देखिए बहुत, केएल राहुल को छोड़ दो आप तो बहुत बड़े स्टार नहीं है, ऐसा नहीं है कि स्टार नहीं है, स्टार तो सभी है पर बड़े स्टार नहीं है जिनके नाम चलते हो, पर वो जरूर मैच जीते जाते हैं। आज अगर आप देखिए उधर रवि बिश्नोई है और इधर राशिद खान है, हालांकि राशिद खान का कोई मुकाबला नहीं रवि बिश्नोई से, राशिद खान फार बेटर है, पर तो भी देखिए अगर आज मुकाबला होगा तो क्या होगा। उधर बॉलिंग कोच नरेंद्र निर्वाणी राइट आर्म लेग ब्रेक के, वो बहुत अच्छे कोच हैं और हिंदुस्तान के मतलब एनसीए में भी कोच रह चुके हैं, तो अब यही देखना है जो आप बोल रहे कि 40-40 तो बैटिंग और बॉलिंग, आज तगड़ा मुकाबला और आज देखने में मजा आएगा। तगड़ा मुकाबला है, टॉप 2 दोनों टीमें हैं और टॉप 2 टीमें जब आपस में भिड़ती है तो जाहिर सी बात है बेहतरीन रोमांचक मुकाबला होना ही है। सर वैसे यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग ये मानकर चल रहे थे कि लखनऊ की ताकत केएल राहुल है, पिछले मुकाबले में 0 पर रनआउट हुए, एक भी बॉल नहीं खेल पाए, लेकिन उस टीम ने फिर भी करके बता दिया कि हाँ हमारे 11 खिलाड़ी मैदान पर 111 है। नहीं बिल्कुल ठीक बात है, देखिए वो टीम है 11 लोगों का कंट्रीब्यूशन अच्छा हो रहा है और हमने देखा है कि अकेले केएल राहुल पे नहीं, क्विंटन डीकॉक हैं जो अच्छे रन बना रहे हैं, दीपक हुड्डा अच्छे रन बना रहे हैं और उनको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए छोटी छोटी इनिंग जो है आयुष बदानी हो गया वो खेलते हैं, नीचे डाउन द लाइन जितने कुणाल पंड्या है वो एक आध अच्छी इनिंग बीच में आकर खेल जाते हैं, 3 बल्लेबाज आपके कंसिस्टेंट रन बना रहे हैं कि कोई ऑल्दो 200 बनाए राहुल ने, 300-450 किए बट 2 डक भी बने उनके कि रन नहीं बना पाए उसमें, तो भी सेकंड नंबर के ऊपर हैं जॉस बटलर के बाद में केएल राहुल हाईएस्ट रन स्कोरिंग में। तो
वो टीम एक ऐसी है जो अच्छा परफॉर्म कर रही है। और जहां तक कोच की बात हो रही थी, दोनों ही कोच जो है वो कोच और बॉल जो कैप्टन है दोनों कम बोलते हैं। केएल राहुल की बात कर लें, गौतम गंभीर की बात कर लें, गौतम गंभीर को भी आप बहुत टॉकेटिव नहीं पाएंगे, वो चुपचाप बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं, वॉच करते हैं, अपना काम करते हैं। और केएल राहुल भी जो है वो बोलने में थोड़ा कंजूस है, कभी भी आप देखेंगे मुस्करा देंगे, बातें करते हुए कम दिखेंगे, पर अपने काम के प्रति वो बहुत वफादार हैं और अपना काम बेहतर तरीके से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। मेरे ख्याल से इस तरह का कॉम्बिनेशन जो है वो ऑलवेज वर्क करता है कि जब सेम मेंटेलिटी के सेम सोच वाले कप्तान और कोच हों, और वो एडवांटेज जो है लखनऊ सुपर जायंट्स के पास में है। ओवरऑल टीम की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि पूरी कंसिस्टेंसी की अगर कोई टीम खेल रही है पूरे टूर्नामेंट में तो लखनऊ सुपर जायंट्स दिखती है। ऑल्दो वही ग्लिम्सेस जो हैं वो गुजरात टाइटन में भी हैं, पर उसमें क्या हो रहा है कि वन ऑफ प्लेयर जो है वो कभी कुछ काम कर रहा है, सारे एक साथ क्लिक नहीं हो रहे हैं या दो तीन प्लेयर भी साथ में क्लिक नहीं हो रहे हैं। शुरू में हमने देखा किस तरह से शुभमन गिल ने दो इनिंग बहुत शानदार खेली, फिर हार्दिक पंड्या ने दो इनिंग बहुत अच्छी खेली, फिर डेविड मिलर खेल गए, फिर राहुल तिवातिया खेल गए, राशिद खान खेल गए, तो एक एक करके। बट अब क्या हो रहा है कि वो सारे जितने लक फैक्टर थे वो लास्ट दो मैचों में आकर खत्म हो गए। और हार्दिक पंड्या ने कहा भी था कि ऐसा ना हो कि हमें हर बार इतना लक फेवर कर रहा है कि जब तक हम प्लेऑफ्स में जाएं वो लक फैक्टर खत्म हो जाए, तो कहीं ना कहीं वो लक फैक्टर अब खत्म होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि लक आपको कभी कभी फेवर कर सकता है। ये आपका टैलेंट है, ये आपका गेम है, ये आपका कैलिबर है जो आपको लगातार कंसिस्टेंटली मैचेस जिताएगा। फ्लूक नहीं हो सकता कि हमेशा आप कोई मैच जो है वो लक फैक्टर पे ही जीत जाए। उन्होंने क्रिकेट अच्छा खेला है और डेफिनेटली ये जो लक फैक्टर भी आता है कब आता है, जब कुछ ना कुछ टैलेंट आपके प्लेयर्स में है और वो रिमार्केबल परफॉर्मेंस दे जाते हैं कि सामने वाली टीम जो है जो पर्टिकुलरली काम करना चाहती है उसमें फेल हो जाती है और आपको जो करना होता है वो उसमें आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो उसको हम लक फैक्टर बोलते हैं। बट हाँ, आप अगर बोलेंगे तो नैरो मार्जिन्स के साथ में उन्होंने मैचेस जीते, इसलिए उनको लक फैक्टर का नाम दिया गया। तो आज का मैच जो है, दो नए बच्चे आईपीएल के, दोनों अच्छा कर रहे हैं और दोनों में बढ़िया मैच आज होने वाला है। ऑल्दो टॉस जीतने के बाद में हार्दिक पंड्या ने बैटिंग का निर्णय लिया है, देखना होगा कि वो अपनी स्पेशलाइजेशन के बिना जा रहे हैं, कि वो ऑलवेज चाहते हैं कि हम चेज करें, जो भी रन बने हम उनको चेज कर लेंगे और उन्होंने चेज करके ही मैच जीते हैं। परंतु नीड ऑफ द आवर जो है वो यही था कि आप पहले फ्रेश विकेट को यूज करें, क्योंकि अब विकेट पे परचेज मिल रहा है, अब विकेट पे टर्न आ रहा है, अब विकेट के ऊपर अनइवन बाउंस आ रहा है। बल्लेबाजों के लिए जो विकेट पैराडाइज थे, अब वो एक लाइव माइंड की तरह हो गए कि कौन सी एक्सप्लोर कर जाएगी आपको पता नहीं। और वहां पर जाकर हमने देखा किस तरीके से केएल राहुल को मोइन खान ने बोल्ड किया क्लासिकल ऑफ स्पिनर से। बहुत सारे डिसमिशल अगर हम देखेंगे, कल बुमराह ने जैसी 5 विकेट लिए, बाकी बॉलर्स ने जैसी बॉलिंग करी, तो कहीं ना कहीं बॉलर अब जाके इस एंड ऑफ टूर्नामेंट जिसको हम अप्रोच कर रहे हैं प्लेऑफ्स के लिए, अब जाकर उनमें थोड़ी जान आई है कि मार खा खा कर पहले बहुत सारे रन दे के अब लग रहा है कि नहीं साहब हम हमारा बदला लेंगे, क्योंकि हमने जो क्रिकेट में दिया वो हमको मिलना भी है। क्रेडिट जो आप देते हैं उसको ब्याज सहित वसूलना भी होता है, तो बॉलर अब वसूली के समय पर आ चुके हैं। जो टीम संयम से बल्लेबाजी करेगी, एक इन मैचेस में अब जिस तरह के मैचेस चल रहे हैं, 160-165 रन भी जो है वो बहुत अट्रैक्टिव और डिफेंडेबल स्कोर है, प्रोवाइडेड यू हैव ए गुड बॉलिंग लाइनअप और आप एक अच्छी स्ट्रेटेजी से बॉलिंग कर दें। संजय सर, फेवरेट टीम के बारे में बात करूं, लेकिन इन दोनों टीमों के बारे में आपकी टिप्पणी जरूर चाहूंगा। जैसे कहते हैं पूत के पांव पालने में दिखाई देते हैं, ये दोनों टीमें इसी बार पहली बार इस संस्करण में प्रकट हुई है, लेकिन अच्छी अच्छी वजनदार टीमों को ढेर कर दिया, और खास बात ये रही कि इस टूर्नामेंट के क्रिकेटिंग स्तर को भी कहीं ना कहीं और बेहतर किया है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, आप तो बिल्कुल सही बोल रहे हो। आप और आप गुजरात की बात कर लेते हैं पहले, कि एक एक प्लेयर पर डिपेंड नहीं है कि यही जिताएगा या दो प्लेयर जिताएंगे, ऐसा नहीं। आप जैसे सर ने पहले ही बोला कि तिवतिया ने जिताया, मिलर ने जिताया, हार्दिक पांड्या ने जिताया, तो उनकी तीन चार राशिद ने जिताया, मतलब चार पांच प्लेयर ऐसे हैं कि कोई भी मैच जिता सकता है। कहीं बॉलिंग अच्छा किया, कहीं बैटिंग अच्छा किया, मतलब उन्होंने आखिरी ओवर में 22 रन भी बनाए। वो बात अलग है कि उनसे 9 रन नहीं बने, वो एक अलग मैटर है, बट उन्होंने 22 रन बनाए। उन्होंने लास्ट बॉल पे 3 रन बनाए थे, वो 6 रन भी बनाए, छक्का मार के मैच जिताया, तो वो अलग टीम है। बिल्कुल नो डाउट वो टीम बहुत अच्छी, उनका बॉलिंग और बैटिंग कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। लखनऊ की बात करूंगा, जैसे कुणाल, जैसे दीपक हुड्डा की बात हुई, इस आईपीएल संस्करण के पहले आप दीपक हुड्डा जिस भी फ्रेंचाइजी में थे,
छह नंबर सात नंबर में पांच बॉल दस बॉल दो ओवर ढाई ओवर मैच खेलने को मिलता था। अभी आप देखिए लखनऊ ने लिया, मैं गौतम गंभीर को इसलिए स्मार्ट कोच या स्मार्ट स्ट्रेटेजी वाला मानता हूँ कि उनको दीपक हुड्डा की प्रतिभा पर भरोसा था, उन्होंने लिया और आप देखिए दीपक हुड्डा ने उस फ्रेंचाइजी को रन बना के दिए, कमाल किए और अच्छे रन बना के। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फंसे हुए मैच में भी रन बनाया उसने, मतलब तो मैं इसलिए बोलता हूँ उन्होंने बदानी उसको लेके आए, आयुष बदानी को आप देखिए वो बिल्कुल एक लोकल प्लेयर जिसने एक मैच खेला और वो लेके आया, उसके बाद उसने वहां पर मैच रन बनाए और वो गंभीर की चॉइस, बिल्कुल वो गौतम गंभीर की चॉइस है। तो ये जो चॉइस है इस तरह के जो प्लेयर आते हैं उस तरह वो जो प्लेयर इस तरह के उनको भरोसा किया जाता है कि मैं आपको लेके आया हूँ, मेरे आप पे भरोसा है और आप रन बना के दोगे, तो प्लेयर भी कॉन्फिडेंट होता है। तो इसीलिए लखनऊ जो मैंने आपको बोला ना कि कछुए की चाल से उसके बारे में ज्यादा बात नहीं हुई है, पर वो वन ऑफ द बेस्ट टीम इसलिए कहलाई जाती है। काम बोलता है, बिल्कुल काम बोलता है। सर फेवरेट टीम आज की? फेवरेट से पहले मैं कुछ चीजें आपसे शेयर करना चाहूंगा कि एक स्ट्रेटेजी पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो मोहम्मद शामी जो है वो एक की बॉलर है टाइटंस की तरफ से, और उन्होंने केएल राहुल को तीन T20 मैचेस में से दो बार डिसमिस किया है, और उन्होंने क्विंटन डीकॉक को भी तीन बार आउट किया है, और जबकि उसकी अगेंस्ट एवरेज लगभग 14 रन की रही। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है मोहम्मद शामी गुजरात टाइटन की तरफ से रहेगा, क्योंकि वो दोनों बल्लेबाज ऐसे हैं जो मेजर रन स्कोरर हैं नंबर वन और नंबर टू लखनऊ सुपर जायंट्स के पॉइंट टेबल में नंबर वन आने पर। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो जो साहा हैं विद्यमान साहा, उनकी एवरेज 51.7 है पेस जो पेस बॉलर्स होते हैं उनके अगेंस्ट इस सीजन में। लॉकी फर्गसन जो है उनकी एवरेज जो है बॉलिंग करते करते पहले पहले के मैचों में उनकी एवरेज लगभग इकोनॉमी 7.7 थी, अब 10 रन के ऊपर जा रही है। और चमेरा जो हैं उनको दो विकेट और चाहिए 100 विकेट T20 में लेने के लिए। तो ये कुछ स्टैटिस्टिक्स है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। जहाँ तक हम मैच की बात करेंगे, ऑल दो टॉस जीतने के बाद हार्दिक को बहुत बड़ा एडवांटेज मिला है कि अब विकेट्स, जैसा हमने कहा क्योंकि वेयर एंड टियर के कारण से बैटिंग फर्स्ट को सपोर्ट कर रही है, परंतु फिर भी क्योंकि गुजरात टाइटन्स दो मैच हार चुकी है पहले और अभी कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा शटर हुआ हुआ है, ऑल दो वो नंबर टू पे हैं। और अगर हम लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करेंगे तो वो एक अच्छा ब्रांड का क्रिकेट खेल रहे हैं, कंसिस्टेंट क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके पास जो बॉलर्स भी हैं वो प्रॉपर काम कर रहे हैं। बॉलर्स में भी बहुत कंपटीशन है, आवेश खान इंजर्ड हुए तो उनकी जगह मोहसिन खान आए, मोहसिन खान ने आकर इतने विकेट ले लिए कि अब उनको सोचना पड़ रहा है कि किस बॉलर को बाहर बिठाया जाए ताकि आवेश को वापस लाया जाए। पिछले मैच में आवेश खेले, उन्होंने दो तीन विकेट लिए, तो ऐसा हेल्दी कंपटीशन बॉलिंग में किसी कैप्टन के पास है तो केएल राहुल के पास है। बैटिंग की भी बात करेंगे तो उनकी टीम जो है एज ए कोहेसिव यूनिट बहुत अच्छी काम कर रही, तो मुझे लग रहा है कि आज जो भी रन बनाएंगे, पहली बात तो उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा रन मुझे नहीं लगता है कि गुजरात टाइटन इस विकेट पर स्कोर कर पाएगी, और जो भी रन बनाएंगे मुझे लगता है कि क्योंकि केएल राहुल खुद संयम के साथ एक एंड संभालते हैं और बाकी प्लेयर उनके आसपास घूमते हैं, रोटेट करते हैं बैटिंग को, वो उनको अचीव करना चाहिए। मुझे लगता है कि लखनऊ सुपर जायंट्स मैच जीतेगी। सर मैं भी बिल्कुल, मैं जो सर की जो सर ने जो बात बोली उससे बात, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरी फेवरेट टीम लखनऊ है, और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से वो लोग खेल रहे हैं और कभी भी कोई भी मैच उन्होंने इस तरह से कि हम इतने मैच जीत गए और हम कोई एक्सपेरिमेंट करें, वो एक कॉम्बिनेशन जो उन्होंने बना रखा है उसी पर वो चल रहे हैं एक ही पटरी पर, तो मुझे लगता है कि मेरी भी इसलिए फेवरेट टीम लगती है। लेकिन ये मानते हैं कि 51-49 या हाँ बिल्कुल, मैं तो बोलूंगा 51-49 वाला नहीं है, मैं 50-50 मैच मानता हूँ। तो कुल मिलाकर लखनऊ और गुजरात के बीच बड़ा मुकाबला, दोनों बड़ी टीमें, और लगभग ये भी तय है कि दोनों टीमें प्लेऑफ्स में प्रवेश करेगी, लेकिन आज जो टीम मुकाबला जीतेगी उसका टिकट औपचारिक तौर पर घोषणा हो जाएगी अधिकृत कि इस टीम ने प्लेऑफ्स में प्रवेश किया है। तो दोनों टीमें इस बात को बहुत बेहतर तरीके से जानती है कि जिसने पहले प्रवेश किया उसे आगे एडवांटेज मिलना है, और एडवांटेज भी मिलेगा और उसके साथ साथ मनोवैज्ञानिक बढ़त भी मिलना है कि आपने पॉइंट्स टेबल की टॉप टीम को पराजित करने में सफलता हासिल की है। उस लिहाज से, मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों के लिहाज से आज का मैच दोनों कप्तानों के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, और जब इतनी कश्मकश भरा मुकाबला हो तो हम जैसे क्रिकेट प्रेमियों के लिए तो दिन बनना लाजमी है। तो इंतजार करते हैं कि आखिर आज दोनों वजनदार टीमों में से किसका रुख ज्यादा भारी पड़ता है। लेकिन फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी शानदार मुकाबले से पहले शानदार शो और आपके पसंदीदा शो के माध्यम से। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।